नमस्कार दोस्तों, मैं आईबीएल से दीपक पहल आपके मध्य फिर खड़ा हूँ और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दो बैकहो लोडर के बीच में क्या अंतर है उसे बताने के लिए आया हूँ। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको बताऊंगा कि असली बैकहो लोडर होता क्या है, बैकहो लोडर की डेफिनेशन क्या है। बेसिकली एक लोकल और छोटे बैकहो लोडर में और एक कंपनी के और बड़े बैकहो लोडर में क्या अंतर है, कस्टमर की जो मेहनत की कमाई है, मेहनत की कमाई वो किस तरीके से यूज़ होनी चाहिए, किस तरीके से काम में आनी चाहिए, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों जैसा कि ये वाला बैकहो लोडर आप देख रहे हैं जिसपे ABL और AB07 लिखा हुआ है, ये बैकहो लोडर महिंद्रा ट्रैक्टर के ऊपर महिंद्रा 555 के ऊपर बना हुआ है और यह है मॉडल AB07 के नाम से है। पीछे की डिगिंग कैपेसिटी इस बैकहो की 14 फिट है। दोस्तों मतलब कि अगर मैक्सिमम डिगिंग कैपेसिटी की बात करें तो ये 14 फिट तक काम करती है जी, जितना कि बड़ी दूसरी मशीनें काम करती हैं। और अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर है या किसान भाई है या किसी को खुदाई के लिए मशीन चाहिए या ट्रॉली भरने के लिए मशीन चाहिए, बड़े डंपर भरने के लिए मशीन चाहिए, हाईवा के लिए मशीन चाहिए, तो ये भर देगी उससे जी। दोस्तों अगर कोई भी किसान भाई या कॉन्ट्रैक्टर पैसे खर्च करता है जी, दोस्तों 35 HP का ट्रैक्टर लेता है या 50 HP का ट्रैक्टर लेता है, छोटा बैको लेता है या बड़ा बैको लेता है, उसमें अंतर बहुत ज्यादा नहीं होता दोस्तों। लेकिन आजकल जो ये जैसे खड़ा ये छोटे वाला ये सामने खड़ा है, ये लोग कह रहे हैं कि 3-3 लाख का बैको मिल जाता है। यही मैं बताना चाहता हूँ, फोन पे 35 HP के ट्रैक्टर में और 50 HP के ट्रैक्टर में 1-1.5 लाख का अंतर है। इसी तरीके से बड़े बैकों और छोटे बैकों में 2-1 लाख रुपए का अंतर है। अगर मोटा माटी माने तो हम 3-3.5-4 लाख रुपए तक का अंतर है। अगर हम छोटे जो लोकल बैको है, ये जो आपके सामने दिख रहा है छोटा सा बैको, जो खिलौने की तरह दिख रहा है छोटा बैको, अगर इसकी बात करें तो ट्रैक्टर सहित किसान भाई को ये ट्रैक्टर कम से कम कीमत भी मैं अगर लगाऊँ तो किसान भाई को ट्रैक्टर सहित 6 लाख रुपये का बैको मिलेगा। और मैं ये बात साबित कर सकता हूँ कि किसान भाई का ये 6 लाख रुपए जो बिल्कुल पसीने की और मेहनत की कमाई है वो बेकार चले जाएगी। और एक तरीके से जो आजकल लोकल मैन्युफैक्चरर है वो मजाक बना देते हैं हमारे किसान भाइयों का, उनके पैसों का, जो बिल्कुल मेहनत की हार्डकोर कमाई है उनके साथ एक मजाक हो जाता है। क्योंकि शुरू शुरू में जो लोकल मैन्युफैक्चरर है वो छोटे बैको को दिखाकर उन्हें प्रलोभन देते हैं कि साहब कम कमाई में, कम मतलब कि कम पैसे में आपका एक बैको आ जाएगा और वो बहुत ज्यादा कमाएगा। साहब देखो ये इतना सा बैको है, ये क्या तो खुदाई करेगा और क्या ये लोडर आगे ट्रॉली को भर पाएगा। अगर 241 ट्रैक्टर सबसे छोटा है सर, अगर 241 ट्रैक्टर को भी ये छोटा सा लोडर नहीं भर पा रहा है तो मेरे हिसाब से ये किसान भाई के साथ, ये व्यापारी के साथ, ये कॉन्ट्रैक्टर के साथ एक तरीके से मजाक हो रहा है, उनके क्या ये हाईवा मजाक हो रहा है। क्या ये डंपर ट्रॉली भर देता है? ट्रॉली भी भरता है? ट्रॉली भी नहीं भर सकता। तो फिर क्या करता क्या है ये जो लोडर है, ये ट्रॉली भी नहीं भर सकता। ये जो प्रचलन है ये कहां से ये जो प्रचलन है साहब, ये विदेशों का प्रचलन है, विदेशों में जो पार्क वगैरह होते हैं। तो ये मशीन आपका नहीं है, ये जो छोटे वाला मशीन है आप? यह किसी लोकल मैन्युफैक्चरर का मशीन है, मैं बताता हूँ, मैं समझा रहा हूँ उसका पूरा कॉन्सेप्ट। ये जो प्रचलन है ये विदेशों का प्रचलन है, विदेशों में पार्क वगैरह में या बर्फ वगैरह जहाँ जम जाती है उनको हटाने के लिए बेसिकली ये लोडर बने थे। अब विदेशों में इस डिजाइन को देख के फिर अपने इंडिया में इसका डिजाइन आया और जो लोकल मैन्युफैक्चरर है उन्होंने बड़ी चालाकी से इसे डिजाइन करके किसान भाइयों को, अपने कॉन्ट्रैक्टर भाइयों को, व्यापारी भाइयों को परेशान, मतलब कि बड़ी सूझबूझ के साथ उन्हें ठगना स्टार्ट कर दिया। अगर कोई व्यापारी भाई इस तरीके का लोडर लेता है तो उसे एक महीने में ही पता चल जाएगा कि उसने अपने पैसे को खराब कर दिया है, यूटिलाइज नहीं किया है, वो ठगी का शिकार हो गया इस तरीके से। क्योंकि इस बैकहो लोडर को लेने के साथ वो कमा नहीं सकता ना, तो अगर कोई व्यापारी भाई या किसान भाई या कॉन्ट्रैक्टर भाई इस बैकहो के साथ खुदाई करेगा तो साहब कितनी खुदाई कर लेगा। एक मजदूर अगर कच्ची फावड़े से खुदाई करने लगे तो इतनी गहरी खुदाई तो मजदूर कर देगा जितनी गहरी खुदाई ये करेगा। लोडर के साथ अगर कोई आदमी भरने लगे तो लोडर के साथ कितनी ऊंचाई तक भरेगा ये माल, आगे इसकी पकेट कैपेसिटी है कितनी, 100 किलो माल नहीं भरती है। अब इसी के कंपैरिजन में हम आ जाते हैं वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के साथ।
जो बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियों का मैं नाम नहीं लूंगा, पर आप सभी जानते हैं कि आज की डेट में बैको लोडर की कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। 70,000 बैको लोडर पर ईयर की मार्केट है जनाब, 70,000 बैको लोडर, 70,000 बैको लोडर की जो मार्केट है वो छोटे बैको की नहीं है साहब, 70,000 बैको की जो मार्केट है वो इस बैको की है। अगर किसान भाइयों को, व्यापारी भाइयों को, कॉन्ट्रैक्टरों को इसके कंपैरिजन में छोटे बैको से फ़ायदा होता तो साहब 70,000 बैको की मार्केट 7,000 पे आ जाती, और जहां इसकी मार्केट 70 बैको की है वो 70,000 पे चले जाती। तो मेरा विश्वास मानिए, सूझबूझ से काम लीजिए, क्योंकि किसान भाइयों का, कॉन्ट्रैक्टर भाइयों का जो पैसा है वो बहुत ही मेहनत की कमाई का है। 14 फिट तक की डिगिंग कैपेसिटी है, 14 फिट तक। अच्छा, बस एक बड़ी बात बड़ी और, माइनिंग में ये बैको काम आता है। एक बात और बताइए, अभी आप बता रहे थे कि महिंद्रा 555 पे आपने लगा रखा है, तो क्या केवल इसी ट्रैक्टर पे लगता है या किसी और ट्रैक्टर पे भी लगता है ये बैको साहब? 50 HP से ऊपर का कोई भी ट्रैक्टर, 50 HP से ऊपर का कोई भी ट्रैक्टर, चाहे वो सोनालिका हो, चाहे वो महिंद्रा हो, चाहे वो जॉन डियर हो, चाहे वो आइशर हो, चाहे वो किसी भी कंपनी का है, ब्रांडेड कंपनी, महिंद्रा, सोनालिका, आइशर, टैफे, ये अच्छी कंपनी है, 50 HP से ऊपर के ट्रैक्टर पे। मतलब आपका, आपके कहने के मुताबिक वो छोटे वाला जो बैको है जो आजकल 3-3 लाख के मिल रहे हैं, 3.5-3 लाख के मिल रहे हैं, ये जो सामने है, इसे आप 3 और 3.5 लाख का मत बोलिए। ये जो लोडर बैको है उसकी कीमत 3.5 लाख रुपए, ट्रैक्टर के साथ भी 3 लाख रुपए और कस्टमर के अटक गए। हम बात करें तो 6 से 7 लाख रुपए व्यापारी भाइयों का, किसान भाइयों का, कॉन्ट्रैक्टर भाइयों का 7 लाख रुपए फंस जाता साहब। मतलब इसको लेने का, इसको लेने का कोई ज्यादा फायदा नहीं है? इसको लेने का इतना फायदा है, अगर किसी के पास बहुत ज्यादा कमाई है, बहुत ज्यादा पैसा है, किसी को संभाल के ना रखा जा रहा है, तो 7 लाख रुपए का ये ले सकता है। और पैसा खराब करना हो तो ये ले लो। बिल्कुल, पानी में डालने वाली बात है, किसी को अगर पैसा पानी में डालना है तो साहब ये ले सकते हैं। बाकी मेरी सलाह है, मेरी सलाह से ज्यादा एक बार आप अपनी सूझबूझ से और अपनी अकलमंदी से सोचिए, समझिए कि छोटे बैको का फायदा है क्या साहब। नहीं, जब आप ठीक कह रहे हैं, जब वो ट्रॉली नहीं भरता तो डंपर क्या भरेगा, और फिर फायदा क्या है उसको लेने का? ट्रॉली भी, जो बैको जहां आप 7 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो और उसके बाद वो बैको या लोडर एक छोटी सी ट्रॉली को भी नहीं भर सकता, क्योंकि ना इसमें, ना इसमें पंप है। देने के साथ साथ वो मैन्युफैक्चरर किसान भाइयों के साथ, व्यापारी भाइयों के साथ, कॉन्ट्रैक्टर भाइयों के साथ सिर्फ मजाक कर रहा है, मजाक बनाया जा रहा है मार्केट में, प्योर मजाक, इसके अलावा कुछ नहीं साहब। मतलब ये छोटा ना लेके आदमी जब ले तो बड़ा ही ले। बिल्कुल, क्योंकि छोटे में ना तो हाइड्रोलिक पंप होगा, ना ही ऑयल कूलर है। अगर मैं छोटे लोकल मैन्युफैक्चरर की बात कर लूँ तो ये 4-4 mm की शीट के साथ, 4-4 mm की शीट के साथ बैको बनाया गया, बस बैको की शेप दे दी गई है। जिस तरीके से बच्चों को खिलौना पसंद होता है ना साहब, इस तरीके से एक छोटा सा खिलौना बना दिया छोटे ट्रैक्टर से। मतलब 3 लाख रुपए का बैको, 3.5 लाख का बैको लेने का मतलब कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं। पैसा पानी में डालने वाली बात, सिर्फ शुरू शुरू में ऐसे प्रलोभन दिए जाते हैं, ऐसे ऐसे फायदे गिनाए जाते हैं, किसान भाई, व्यापारी भाई और कॉन्ट्रैक्टर भाई उन प्रलोभनों में आ जाते हैं। और मेरे पास कितने ऐसे किसान भाई हैं, कितने ऐसे कॉन्ट्रैक्टर भाई हैं, कितने ऐसे दुकानदार भाई हैं जिन्होंने मतलब कि 2-4 ये ऐसे ले रखे हैं बैको, और उसके बाद एक महीने बाद बहुत बुरी तरीके से परेशान है। मेरे पास ऐसे आते हैं कि भाई साहब ये हमारा वापस ले लो, हमें बड़ा दे दो। अब मैं वापस लूँ तो लूँ कैसे, क्योंकि इसकी तो डिमांड मार्केट में है भी नहीं। और एक जो परेशान भाई है उससे मैं लेके किसी दूसरे को परेशान तो कर नहीं सकता। अब जो कस्टमर ये लेकर आया था आपके पास, जो कह रहा है ले लो उसको, मतलब आप उसको लेंगे नहीं अब? ये तो सिर्फ कस्टमर ये कह के गया था कि भाई साहब इसे खड़ा कर लो और इसे डिसमेंटल कर दो, ट्रैक्टर मुझे वापस दे दो और इसे कबाड़े के भाव, स्क्रैप का जो भी रेट हो इसे बेच दो। ठीक ठीक नमस्कार भाई।